बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स, सबको पता है कि कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट मैच ना होने की वजह से उनकी पेमेंट तखीर का शिकार हुई, और कुछ लोगों को जाँच पड़ताल का मसला आ रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमें पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और हम मुझसे कहें लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारा कारोबार बंद है, हम घर बैठे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि नादरा बंद है, नादरा खोलने का हुक्म दिया गया था कि 27 तारीख को नादरा खोल दिए गए जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा की वजह से नादरा नहीं खोले गए। इस वजह से नादरा ने तमाम लोगों की परेशानी को देखते हुए एक SMS सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। SMS सर्विस है, SMS से आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे, जाँच पड़ताल वालों को कब मिलेंगे, हम अहल भी हैं या नहीं। तो जिस वजह से नादरा ने कुछ नंबर्स दिए हैं, ट्रैकिंग नंबर 2 नंबर दिए हैं, आप उन पे ट्रैक कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अपने जितनी भी परेशानियां आपने दूर कर लेनी हैं। तो फ्रेंड्स यार, गलत कमेंट ना किया करें, आप वीडियो देखते नहीं हैं सही तरीके से और गलत कमेंट कर देते हैं यार, इस तरह ना किया करें। अगर कोई बंदा अच्छा कमेंट करता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, अगर कोई गलत करता है यार हम उसे अब क्या कहें, वो अपने आप को ही यार देखे कि मैं क्या कह रहा हूँ माह रमज़ान के महीने में। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको हर आने वाली न्यू अपडेट इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की तरफ से जो भी न्यू अपडेट आई उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है नादरा SMS नंबर, आपने ये सर्च कर लेना। फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपने इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको नंबर दे दिए गए हैं, आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। नंबर 4 दिए गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके काम के कौन से हैं और ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आपने वीडियोज़ लाजमी देखनी है, आगे स्किप नहीं कर देनी। फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं SMS सर्विस, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए गए हैं, इनमें से अब मैं आपको 2 बताऊंगा कि 2 कौन से आप लोगों के काम के हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7000 ये नंबर जो है ये आपको दिया गया है कि जो लोग अहल हैं लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आ रहा, एक बात, और ये दूसरा उन लोगों के लिए दिया गया है जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे, ये उनके लिए भी है, और ये SMS ट्रैकिंग के लिए 7000 नंबर उनके लिए भी है जिनका जांच पड़ताल का मसला आ रहा है। तो ये 3 लोगों के लिए ये नंबर एक नंबर है कि जिनका ट्रैकिंग नंबर यानी कि ट्रैक कर सकते हैं जांच पड़ताल वाले लोग, और जो लोग अहल हैं उनको पेमेंट की ताखीर की जा रही है, क्यों की जा रही है आप चेक कर सकते हैं नादरा से, क्या मसला है आपको जो पेमेंट नहीं दी जा रही, और तीसरी जो आप अहल हैं लेकिन आपको पेमेंट नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर अब पहला नंबर क्लियर हो गया, अब मैं आपको दूसरा नंबर बताता हूँ कि ये 8400 किस लिए है। तो फ्रेंड्स, ये 8400 इसलिए आपका अगर आईडी कार्ड ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका था, आपने क्या किया है टोकन लिया है, टोकन ले लिया, उस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया गया होता है, आपने क्या करना है, वो टोकन नंबर 12 अंशों का होता है, आपने वो यहाँ पर सेंड करना है। 12 नंबर का टोकन नंबर होता है ये, आपने सर्च यहाँ पर सेंड करना है अपना नाम और टोकन नंबर, और इसके अलावा जिनके वालदैन की डेथ हो चुकी है उनके नाम पैसे आए थे तो उनके यहाँ पर आपने नंबर सेंड कर देना है 8400 पर, तो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर डेथ वाला है यहाँ से मसला हल ना हो तो यहाँ पर 12 नंबर सेंड होते हैं, तो आपका अगर यहाँ से ना मसला हल हो तो फिर आपने 7000 वाले पर ही सेंड करके चेक कर लेना है। अभी तक इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई कि डेथ वाले क्या करें, वो पहले ही सानिया निश्चर ने कहा था कि अपने जाएँ डेथ सर्टिफिकेट नादरा में जमा करवाएं, नादरा जबकि बंद है, तो अभी तक डेथ वालों के लिए कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। बाकी जो अपडेट आई है वो मैंने आपको बता दी है, अब गलत कमेंट कोई भी बंदा ना करे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।